हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 4। चैप्टर 4th है हमारा डिटरमिनेंट, जो हमारा मैट्रिक्स पे बेस है, उसी के यूज से करेंगे हम। जैसे हमने रो कॉलम का किया था मैट्रिक्स में, उसी तरह इसके अंदर है डिटरमिनेंट्स के अंदर। हमारे पास सिंबल्स में थोड़ा सा चेंज आता है, जब आपके पास ऐसे ब्रैकेट में ऐसे सिंबल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब उन्हीं सिंबल्स को हमने चेंज कर दिया ऐसे, इसको हम क्या बोल देंगे, डिटरमिनेंट। तो हम कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, उसके लिए देखते हैं। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कैसे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, अब हम इसके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। एक्सपेंडेड बाय रो फर्स्ट, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, आमने सामने की मल्टीप्लाई। जब भी आपको 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी तो उसमें डिटरमिनेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, आमने सामने की मल्टीप्लाई। इट मीन्स a11 मल्टीप्लाई a22, माइनस बीच में a21 मल्टीप्लाई a12, 2 मल्टीप्लाई -1, बीच में माइनस आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 4, 2 बन जा 2, -2 आ जाएगा माइनस माइनस, प्लस 5 4 जा 20, 20 में से 2 जाएगा क्या आएगा 18। इसी तरह नेक्स्ट है, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक्सपेंड बाई रो फर्स्ट, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड कर दिया। हमने क्या किया, पहले जैसे फर्स्ट में किया था ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, बीच में माइनस आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा क्या आया, कॉस स्क्वेयर थीटा, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट है एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, बीच में माइनस आएगा एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर के, एक्स के साथ करेंगे क्या आया, एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्केयर के 1 के साथ करेंगे एक्स स्केयर, माइनस एक्स और एक्स की क्या आ जाएगी, माइनस एक्स स्केयर। माइनस एक्स के 1 के साथ क्या आएगी, माइनस एक्स। 1 और एक्स की क्या आ जाएगी, प्लस एक्स। 1 की और 1 की 1, बीच में माइनस आ जाएगा। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1। ये प्लस था ये माइनस था ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह माइनस एक्स प्लस एक्स है ये कैंसिल, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर 1 1 2, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज इक्वल टू, ए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, देन शो दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है कि 2A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट कैसे सॉल्व करना है कि पहले जो मैट्रिक्स दी उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। दूसरी साइड में क्या है, पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2A डिटरमिनेंट, जो हमें मैट्रिक्स दी है उसकी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सभी की मल्टीप्लाई कर दी 2 के साथ, फिर उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 क्या आएगा, माइनस 24। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड फोल्ड करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए क्या, 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, 4 टाइम्स ए डिटरमिनेंट। 4 को बाहर रखेंगे, ए का डिटरमिनेंट फाइंड क्या क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, सॉरी 1 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 माइनस 4, 2 जा 8, 2 माइनस 8 बार 4 आएगा, 2 माइनस 8 क्या आ जाएगा, माइनस 6, 4 6 जा 24। इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ गई, तो क्या बोल देंगे हम, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If A is equal to, then show that, आपको A कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अब हमें प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो किसकी आई है, 3x3 की,
थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास से 3A डिटर्मिनेंट, पहले पूरी मैट्रिक्स की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1 है, 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा 3, 0 की करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज 1 की करेंगे 3 ये 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, जब हम फर्स्ट रो से करते हैं तो फर्स्ट रो पे जो एलिमेंट है वो क्या है 1 1, इसको हम क्या बोलते हैं a1 2 a1 3, ये हमारे पास एलिमेंट्स की नोटेशन है। पिछले उसमें मैट्रिक्स में पढ़ा था आपने a11, इट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे 3 को बाहर लिखेंगे और क्या आ जाएगा फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को, इनको नेग्लेक्ट कर दिया, जो बच गया उसके हम जैसे 2x2 की करते हैं वैसे करेंगे। अब 0 और 6 की मल्टीप्लाई क्या, सॉरी 12 और 6 3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या है सेकंड एलिमेंट है, तो उससे आगे हम क्या लगाते हैं हमेशा माइनस है। और फिर क्या है 0। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट हमने रो नेग्लेक्ट कर दिया और सेकंड कॉलम नेग्लेक्ट कर दिया। अब 0 और 12 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0, माइनस 0 और 6 की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी 0, प्लस 3 है। अब हमारे पास इसमें क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट हमने रो छोड़ दी और थर्ड हमने कॉलम छोड़ दिया, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 0, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब 3 बाहर है, 12 3 जा 36 माइनस ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ जाएगा 36 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 108। नेक्स्ट है 27 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, 27 टाइम्स आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये दी हुई है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी हुई है 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। अब हमारे पास फर्स्ट क्या है a11 a12 a13, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ गया हमारे पास, तो क्या लिख देंगे 1 की और 4 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0, तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे हम 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई सेकंड कॉलम ये आ गया, 0 की और 4 की मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास प्लस 1, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई 0, ये भी क्या आ जाएगा 0। 27 एज इट इज 4 1 जा 4 माइनस सारे के सारे क्या है 0, 27 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 108, तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5th, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, वही है आर फर्स्ट से, अगर हम इसको आर सेकंड से करेंगे या आर थ्री से, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से भी करेंगे हमेशा डिटर्मिनेंट हमारा सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से करेंगे, R1 मीन्स फर्स्ट रो से, फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है 3, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, माइनस माइनस प्लस, बट एक बार फिर हमारा फॉर्मूले के अंदर माइनस होता है तो क्या बीच में माइनस आएगा 5 1 जा 5, फिर माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, दो बार माइनस होने से क्या हो जाएगा ये प्लस, ये कैंसल ये कैंसल, ये 0 आ जाएगा और 3 1 जा 3, बीच में क्या था माइनस इसलिए क्या हो गया प्लस 3। थर्ड है हमारे पास -2, अब इसको कैंसिल कर देंगे ये कैंसिल, 0 और 5 के मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 3 और 0 के मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास क्या आया 3 5 जा 15 -15, 1 3 जा 3, और ये हमारे पास क्या है 0, -15 प्लस 3 क्या आ जाएगा -12। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, इसी तरह इसको करेंगे हम एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, हमारे पास क्या है 1 1, फर्स्ट 3 को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो माइनस है बीच में माइनस एंड से क्या हो जाएगा +1 प्लस 6, फिर -4 है लेकिन हमारे पास सिंबल नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस 4, फिर क्या +5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, 3 माइनस 2,
सिक्स और वन सेवन, सेवन थ्री जा 21 हो जाएगा, फोर और वन फाइव, फाइव फोर जा 20, थ्री में से टू जाएगा वन, वन और फाइव की मल्टीप्लाई फाइव, सभी को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 46। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जीरो माइनस वन माइनस टू, वन जीरो थ्री, टू माइनस थ्री जीरो, फर्स्ट रो से करेंगे, जीरो है तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या होगा जीरो। सेकंड क्या आ जाएगा माइनस वन, अब हम फर्स्ट को कैंसिल करेंगे सेकंड को, वन की और जीरो की मल्टीप्लाई क्या आएगा जीरो, माइनस माइनस प्लस, बट फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस होगा, थ्री टू जा सिक्स, प्लस टू, अब ये कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, माइनस थ्री आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी जीरो, ये पूरा जीरो आ जाएगा, माइनस वन और माइनस सिक्स की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी प्लस सिक्स, और टू और माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। फोर्थ है, सेम है जैसे हमने फर्स्ट थ्री पार्ट्स के, ऐसे ही सेम फोर्थ है, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में दे रखा है ए इज इक्वल टू, ए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर देंगे, मीन्स हमारे पास वन एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, वन मल्टीप्लाई माइनस नाइन क्या आ जाएगा माइनस नाइन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, बट माइनस है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फिर क्या आ जाएगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस वन लेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, टू नाइन जा माइनस एटीन और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा फिफ्टीन, थर्ड क्या है माइनस टू, एज इट इज रख लेंगे, ये कैंसिल, फोर टू जा एट आ जाएगा, फाइव वन जा फाइव, एट माइनस फाइव, माइनस नाइन है प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व में से नाइन जाएगा कितना आएगा थ्री, एज इट इज थ्री आ जाएगा, माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन, एटीन में से फिफ्टीन जाए क्या आएगा माइनस थ्री और माइनस वन प्लस थ्री आ जाएगा, एट में से फाइव जाएगा या थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो हमारे पास थ्री प्लस थ्री क्या आया सिक्स, माइनस सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इफ, अगर हमारे पास इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो इक्वल है तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। अब हम अप्लाई करते हैं एक्सपेंड अलोंग आर वन, तो टू क्रॉस टू की है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, टू मल्टीप्लाई वन माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव, किसके इक्वल हो टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई फोर, टू वन जा टू माइनस फाइव फोर जा ट्वेंटी इज इक्वल टू टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, टू माइनस ट्वेंटी आया माइनस एटीन, माइनस ट्वेंटी फोर को इधर लेके आए प्लस ट्वेंटी फोर हो जाएगा इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी फोर में से एटीन माइनस करेंगे क्या आएगा सिक्स आएगा और क्या है टू एक्स स्क्वायर, टू को इधर लेके आएंगे तो सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा थ्री, एक्स स्क्वायर है इधर स्क्वायर को रूट लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी एज इट इज है, टू थ्री फोर फाइव ये मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल रख के किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, एक्सपेंडेड बाई आर वन, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई थ्री इक्वल होगा किसके एक्स मल्टीप्लाई फाइव माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई थ्री के, टू फाइव जा टेन फोर थ्री जा माइनस ट्वेल्व फाइव एक्स और थ्री टू जा सिक्स एक्स, टेन माइनस ट्वेल्व क्या आएगा माइनस टू, इधर फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, इफ आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई है देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स किसके इक्वल होगा सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडेड बाई आर वन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस एटीन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स माइनस एटीन मल्टीप्लाई टू, एक्स एक्स की मल्टीप्लाई क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एटीन टू जा थर्टी सिक्स इज इक्वल टू सिक्स सिक्स आ थर्टी सिक्स माइनस एटीन टू जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स से थर्टी सिक्स
कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 36, एक्स इज इक्वल टू 36 का अगर हम रूट करेंगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, इट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।